आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमिटेड की लालटेन के 578वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी के रेलवे के रैक पॉइंट पर हम खड़े हुए हैं और रेलवे के द्वारा सिवनी के साथ जिस तरह का मजाक किया जा रहा है वो हम लगातार ही आपको दिखाते आए हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं रैक पॉइंट, हमने लगातार ही दिखाया है। रैक पॉइंट पर जो मुरम है, मुरम और मट्टी वहाँ से बहना आरंभ हुई, 2 साल और 3 साल होने को आए हैं। रैक पॉइंट की स्थिति क्या है ये किसी से छिपी नहीं है। अगर हम आपको पीछे दिखाएं तो देखिए बेतरतीब नालियां बना दी गई हैं, जबकि जब रैक पॉइंट का निर्माण हुआ था तो रैक पॉइंट पर नालियां बहुत अच्छी क्वालिटी की बनाई जानी चाहिए थी। अगर हम आपको यहाँ पीछे दिखाएं तो हमारे पीछे देखिए यहाँ ये नाली बना दी गई है, इस तरह से बनाई गई मानो नहर बना दी गई हो। रेलवे के द्वारा क्या किया जा रहा है ये भी हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर जहाँ से मुरम बह रही है वहाँ पर अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको पिचिंग कराई जा रही है, पत्थर लगाए जा रहे हैं, अलंगे लगाए जा रहे हैं, जो स्क्वायर पत्थर होते हैं वो लगाए जा रहे हैं। दरअसल जहाँ पर भी तालाब की जो बंधान होती है, जहाँ पर तालाब की भीड़ होती है, तालाब का किनारा होता है, उस तालाब के किनारे पर इस तरह से ये बनाया जाता है और अलंगे, इसको अलंगे कहा जाता है, ये अलंगे इस तरीके के वहाँ लगाए जाते हैं ताकि मिट्टी का क्षरण कटाव को रोका जा सके। सिवनी में रेलवे के द्वारा लगातार ही नए नए प्रयोग किए जाते रहे हैं। चूंकि ये केंद्र का मामला है इसलिए केंद्र के इस मामले में 2 सांसद हैं सिवनी के। उन 2 सांसदों में डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन बालाघाट के सांसद हैं और ये बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। हमने शुरुआत से आपको ये बताई है बात कि यहाँ पर रैक पॉइंट पर, यहाँ रैक पॉइंट हो या पटरी बिछाने का काम हो या फिर रेलवे स्टेशन का निर्माण का काम हो, गुणवत्ता सदा ही बहुत ही थर्ड ग्रेड की रही है। CPWD के सूत्रों ने बताया कि रेलवे में जो भी काम होता है उसमें कहीं ना कहीं CPWD के मानकों को भी ध्यान में रखा जाता है। अगर 1 मीटर ऊंचाई है तो उसका स्लोप 2 मीटर जाएगा, 1 और 2। अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं लगभग 3 मीटर ऊंचाई है तो लगभग 9 मीटर 27-28 फीट उस जगह से जहाँ से वो फॉल डाउन चालू होता है वहाँ से 3 मीटर तक उसको स्लोप होना चाहिए, पर यहाँ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन बालाघाट के सांसद हैं, इसके पहले वे 4 बार विधायक रह चुके हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन मंत्री रहे हैं, विभिन्न 3 विभागों के मंत्री रहे हैं। उसके बाद अभी जो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके का यहाँ पर उनका रेलवे पर पकड़ किस तरीके की है ये आप समझ सकते हैं। 2021 के दिसंबर में वे मनीष लावणकर, यहाँ का काम देख रहे डिप्टी चीफ इंजीनियर मनीष लावणकर की शिकायत करते हैं। मनीष लावणकर की शिकायत के उपरांत उसका रिमाइंडर, वो पत्र कहीं मीडिया में जारी नहीं होता, उसका रिमाइंडर जब उसका एक स्मरण पत्र भेजा जाता है अगस्त या सितंबर 2022 में, उसको मीडिया में कहीं से वो लीक हो जाता है और 2021 की शिकायत के बाद 2022 दिसंबर निकल गया और 23 का दिसंबर आने वाला है। अभी तक इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई रेलवे के द्वारा नहीं की गई है, जबकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये आपको दिख रहा होगा किस तरीके का गुणवत्ता वाला कार्य यहाँ पर कराया गया है। 2 साल के बाद भी डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन संसद में उन्होंने मामला उठाया, सिवनी के हित की बात है। यहाँ भी अगर हम आपको थोड़ा सा आगे दिखाते हैं, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बेतरतीब नाली बनाई जा रही है। आखिर चाह क्या रहे हैं रेलवे, आखिर चाह क्या रहा है? अगर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा इस चीज़ को, विसंगतियों को प्रकाश में लाया जाता है, लोगों को बताया जाता है, खबरों का प्रसारण किया जाता है, तो रेलवे के सिवनी के स्टेशन मास्टर के द्वारा लिखित में शिकायत सील सिक्के लगा कर की जाती है और बाद में वो शिकायत पर क्या कार्रवाई होती है इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। पता नहीं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के प्रति रेलवे के मन में क्या है, जबकि दीगर
जो संभवतः पत्रकार भी नहीं है वे रेलवे की पटरी के बीच में जाकर खबरें बनाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये एक बड़ी विडंबना मानी जा सकती है। बहरहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको लगाया जा रहा है। आगे भी हम आपको लेकर चलते हैं, आगे हम दिखाएंगे कि वैसे थोड़ा सा बादल बहुत ज़्यादा हो गए इसलिए प्रकाश की थोड़ी सी कमी आपको महसूस हो रही होगी। फिर भी हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पिचिंग का काम कराया जा रहा है। आगे हम आपको लेकर चलते हैं, वहाँ हम आपको दिखाएंगे। अभी हमने आपको उस तरफ का दिखाया था, अब हम एक बार फिर आपको यहाँ का दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी पिचिंग कर दी गई है और जहाँ जहाँ मुरम बह रही है। शुरुआत से ही ये करना था, सवाल यही उठता है, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन आप सांसद हैं, बालाघाट के आपके संसदीय क्षेत्र का यह हिस्सा है, इसका भोगमान आखिर कौन भोगेगा? ठेकेदार आया, काम किया, पेमेंट लिया, अपना भुगतान किया और भुगतान लेकर जा चुका है। ये जो अब ये पिचिंग हो रही है, बेतरतीब नालियां बनाई जा रही, जो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया 2020 से लगातार जिस बारे में आपका ध्यान आकर्षित कर रही है, उसके बाद भी आखिर इसका भोगमान कौन भोगेगा? जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से, संचित राजस्व से ही इसका भुगतान किया जाएगा और कहीं से नहीं। आपकी नैतिक जवाबदेही है डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, आप यहाँ सांसद हैं, आपकी नैतिक जवाबदेही है कि रेलवे के चेयरमैन को, अगर आपको नहीं पता है, हम आपके साथ जाने को तैयार हैं रेलवे के चेयरमैन को, चूंकि आपके साथ जनादेश है। सांसद एक बहुत सम्मानी और सक्षम पद होता है, हम आपके साथ चलते हैं, चलिए रेल मंत्री के पास, रेल मंत्री से हम तकनीकी बातें करते हैं सिवनी के हित में, रेलवे के चेयरमैन के पास चलते हैं, मेंबर टेक्निकल के पास चलते हैं, तकनीकी बातें करते हैं कि आखिर यहां पर इस घटिया गुणवत्ता के काम को जो अब लीपापोती की जा रही है, इस काम के लिए जो जवाबदेह हैं, उन लोगों के वेतन भत्ते अगर सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो उनके पेंशन से इसकी वसूली की जाना चाहिए। सच सही मायनों में आपको आप जनादेश का सम्मान डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन तब करेंगे जब यहाँ जिन भी तकनीकी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा ये होली खेली गई है पैसों की, उस होली के जवाबदार लोगों को आप उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनके उनसे इस पूरे मामले की जितना खर्च हुआ उसकी भरपाई करवाएं, तब सही मामले में आपको जो जनता ने जनादेश दिया है उसकी उसका सम्मान हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मौन हैं, पता नहीं क्यों आलोक दुबे, आप इसी सिवनी के नागरिक हैं, आप क्यों मौन हैं? दोनों नगर मंडल के अध्यक्ष मौन हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना मौन हैं, आखिर मौन की वजह क्या है? विपक्ष की इमरान पटेल, आप नगर अध्यक्ष हैं, आपके मौन की वजह क्या है? जनता जानना चाहती है, आप सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, आपका मौन आखिर क्यों है? ये बात आपको जनता को आखिर बताना ही पड़ेगा, चुनाव बहुत करीब हैं, अन्यथा आने वाले समय में जनता इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया वोट के रूप में दे सकती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 578वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। सिवनी के रैक पॉइंट पर हम आज आपको लेकर आए थे, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर थूक लपेटा काम हो रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 579वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, जय हिंद।